Hello everyone, welcome to my channel. And then जैसा कि मैं आपको ग्लास इंडस्ट्री के बारे में बता रही थी, मैंने उनको सबसे पहले इसका वीएम पॉलिसी रूटीन एक्सप्लेन किया। अब मैं आपके साथ इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करती हूँ। ग्लास इंडस्ट्री है तो यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के क्या जरूरत है? सबसे पहले हम जो है मेल्टिंग ग्लास फर्नेस होने चाहिए हमारे पास, जहाँ पे हम शीशे को पिघलाएंगे। फोमिंग, एनिलिंग, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग। फोमिंग के अंदर हम उसको मोल्ड करेंगे, एनिलिंग के अंदर शेप देंगे, इंस्पेक्शन के अंदर जो है हम उसकी वो टेस्टिंग करेंगे, ये ठीक बना नहीं बना, कोई इसके अंदर डिफॉर्म तो नहीं। सेकेंडरी प्रोसेस में करेंगे, फिर पैक करेंगे, वेयर हाउस भेजेंगे और जो है वो शिपिंग हो जाएगी इसकी। एनर्जी यूसेज कितना आता है इन सब के अंदर? नेचुरल गैस 73%, इलेक्ट्रिसिटी 24%, फ्यूल फ्यूल है सच इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए ये सब एनर्जी यूसेज हो रही है, तो इससे गैसेस भी तो निकलेंगे, जो केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो भी। वाटर यूसेज हो रहा है, वाटर एक्सटेंसिवली यूज टू कूल फर्नेसेस, कंप्रेसर यूज, मेल्टिंग ग्लास, टेस ऑफ टेबल बोर्ड, वाटर ग्लास। और पानी कितना रहता है? जितने भी ये गहरे कुएं खेते जाते हैं वहां से इंडस्ट्री जो वाटर लेके यूज करती है, ये बहुत ज्यादा गहरा यूज है, क्योंकि सारा कुछ बाद में ठंडा भी तो हमें करना है। शीशे को ठंडा नहीं करेंगे तो हम पैक कैसे करेंगे, और हम बाद में जो है वो उसको बेचेंगे कैसे, शिपिंग कैसे करेंगे? वाटर डिस्चार्ज फिर कैसे हो जाता है? वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग प्लांट, तो सब हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग की है हमने, कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है। ये जो वाटर सबको ठंडा ठंडा करने के बाद जो रह जाते हैं उसको फिर हमने कहीं तो यूज करना है ना, तो उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गुजारेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, वाटर डिमिनरलाइजेशन प्लांट। ये तीन प्रोसेस है जिसके हम जिसके जरिए हम वाटर को प्योर करेंगे, फिर हम जो है वो यूज करेंगे। एयर इमिशन सब क्या होंगे? वो केमिकल यूज करने से कार्बन डाइऑक्साइड होगी, डस्ट होगी, क्योंकि हमने मेल्ट करना है उसको, मोल्ड करना है उसके, फॉर्मिंग एनिलिंग करनी है। नाइट्रोजन, सल्फर ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। फिर अब हमने जो वाटर यूज है उसके लिए तो हमने फिल्ट्रेशन प्लांट यूज कर लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब एयर इमिशन के लिए भी तो हमने फिल्टर यूज करने हैं, ताकि जो केमिकल्स से गैसेस प्रोड्यूस हो रही है वो हवा को पोल्यूट न करें, हम सबको बाहर की दुनिया को पोल्यूट न करें। या जो आपके ग्लास बन रहा है तो उसकी वजह से जो बाहर के लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है ना, कि एक ग्लास इंडस्ट्री से पूरी सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। तो हम ड्राई टाइप स्मोक रिडक्शन मेथड यूज करेंगे, फिल्टर डस्ट कलेक्टर यूज करेंगे, बैग फिल्टर यूज करेंगे, ईपी यूज करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, वाटर ग्लास रिसाइकलिंग के, वाटर ग्लास रिसाइकलिंग हम कैसे करते हैं? ग्लास इंडस्ट्री के अंदर कलेक्शन ऑफ ग्लास करेंगे, फिर उस ग्लासेस की जो है वो सॉर्टिंग कर लेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे, उसके इम्प्योरिटीज को खत्म करेंगे, फिर उसको क्रश कर देंगे, मोल्ड मतलब क्रश मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, इसकी मेल्टिंग करेंगे। और जो है वो मतलब जो अक्सर आप शीशा सड़कों पे देखते हैं, इसके अगर हम रिसाइकलिंग करना चाहिए, क्योंकि नुकसान जो होते हैं लोगों को, समुद्रों में चल जाए मछलियों के लिए वो भी लाग रखे देते हैं, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा यूज। तो हम ग्लास को कलेक्ट कर लेंगे, एक तरह के ग्लास एक तरह, दूसरी तरह के दूसरी तरह कर देंगे, फिर उसको धो लिया जाएगा, वहां पे जो कंच है उसको साफ किया जाएगा, फिर उसको मशीनों के थ्रू क्रश करके पाउडर की फॉर्म बना के जाएंगे, फिर उसके जो है वो मेल्टिंग उसको पिघलाया जाएगा, फिर उसको नई टेक्सचर मोल्ड किया जाएगा। लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है? किस किस तरह के पैरामीटर्स यहाँ यूज होते हैं? नॉक्सिस, सल्फर, पीएच, पार्टिकुलेट मैटर, एचसीएल, बीओडी, सीओडी, इनकी रिलीज वैल्यू और परमिसिबल लिमिट, इनको भी याद कर सकते हैं कि मतलब कितनी वैल्यू में रिलीज हो रही है और कितनी इनकी लिमिट है, क्योंकि ये लिमिट से ज्यादा ऑलमोस्ट इनकी रिलीज होती है।
ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट, सबसे हमें क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो हमने अपना डिसाइड करना है। हमने क्या टारगेट्स और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो, ट्रेनिंग अवेयरनेस एंड कॉम्पिटेंसी हमने लोगों को, इसमें क्या प्रोसेस आते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हम लोगों को ही नहीं बताएंगे, मतलब वहाँ के वर्कर्स भी एजुकेट नहीं करेंगे तो क्या फायदा होता है सब कुछ करने का। तो हमने एजुकेट एवरीवन ऑन नेचुरल एंड सिस्टम कॉन्सिक्वेंसेस, क्या हम उन्हें बताएं समझाएं कि भाई ये तुम लोग की सेहत के नुकसान दे, काम करना जरूरी है लेकिन हेल्थ इज मोस्ट ऑन प्रायोरिटी। अगर आप खुद ही ठीक नहीं होंगे तो आप काम क्या कैसे करेंगे, और कुछ सालों बाद फिर आप बीमार हो जाएंगे तो फिर आप अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताएं, बताएं हैजर्डस के बारे में, बताएं उनके कंट्रोल में, बताएं उन्हें बताएं कि हम हैजर्डस आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, सेफ और प्रोसीजर प्रैक्टिस बताते हैं कि हमने सेफ काम कैसे करना, उसकी क्या प्रैक्टिस है। आई होप सो आपको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।